मुंबई में 31 ऑगस्ट और 1 सितंबर ना रोज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक पहला गठबंधन तरफ थी पीएम पद ना दावेदार तरीके त्रण नामों सामे आव्या छे। हजू तो गठबंधन ने चूंटणी लड़वानी बाकी छे, त्यां तो ए वाते झगड़ो शुरू थयो छे के पीएम कोण बनशे। सौथी पहला आम आदमी पार्टी तरफ थी दिल्ली ना सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष ना पीएम पद ना उम्मीदवार बनावानी मांग करवामां आवी हती, परंतु थोड़ाक ज कलाकों में समाजवादी पार्टी ना अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पण पीएम पद ना दावेदार बनावानी मांग उठी हती। समाजवादी पार्टी ना नेता जूही सिंहे कह्युं कि अमे इच्छे छे के अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन माथी वडाप्रधान पद ना उम्मीदवारों मानो एक चेहरो बने। इंडिया गठबंधन बाबते भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैने जणाव्युं हतुं कि आ लोकोनी विचारधारा एक नथी, बधा अंदरो अंदर झगड़े छे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी साथे कांग्रेस अने कॉम्युनिस्ट पार्टी झगड़े छे, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी साथे, बिहार में जग्यू साथे, तो केरल में पण कॉम्युनिस्ट पार्टी साथे कांग्रेसनो झगड़ो चाले छे। इंडिया गठबंधन में बधा ज अलग अलग छे अने बधाने वडाप्रधान बनवुं छे, परंतु वडाप्रधान पद खाली नथी, वडाप्रधान पद नरेन्द्र मोदीनुं ज छे। जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं और सारे महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है, सबके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पल रहे हैं, सबके मन में प्रधानमंत्री पद का लड्डू फूट रहा है। प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता बनकर 3/4 बहुमत प्राप्त करेंगे। मायावती बीएसपी विपक्षी पार्टियों ना इंडिया गठबंधन में शामिल थवानी अटकड़ों ने फगावी दीधी छे। बीएसपी सुप्रीमो स्पष्ट कर्यु छे के तेमनी पार्टी आगामी लोकसभा चूंटणी अने आगामी विधानसभा चूंटणी में एकला हाथे लड़शे। आ पहला एवी अटकड़ों चाली रही हती के बीएसपी विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल थई सके छे। यूपी में कांग्रेसे दलित समुदाय माथी आवता ब्रिजपाल खबरी ने हटाव्या हता, जो कि मायावती ट्वीट करीने आवी तमाम अटकड़ों ने फगावी दीधी छे। तमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाव्यो हतो के एनडीए अने इंडिया गठबंधन मोटा भागे गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक मूड़ीवादी नीतिओ धरावती पार्टी छे, एटला माटे तेमनी साथे गठबंधन करीने चूंटणी लड़वानो प्रश्न थतो ज नथी। मुंबई में विपक्षी इंडिया गठबंधन की तीजी बैठक योजावानी छे, त्यारे आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्करे जणाव्यु कि मारा मते अरविंद केजरीवाले वडाप्रधान पदना उम्मीदवार बनवू जोईए। आटली कमरतोड़ मोंघवारी में पण दिल्ली में सौथी मोछी मोंघवारी छे। दिल्ली में मफत पाणी, शिक्षण अने वीजळी जेवी पायानी सुविधाओ लोकोने उपलब्ध करावामां आवे छे, तो महिलाओं माटे मफत बस सेवा, वृद्धों माटे मफत तीर्थयात्रा सेवा पण शुरू करवामां आवी छे। दिल्ली में विधानसभा में सरप्लस बजेट रजू करवामां आव्युं छे। दिल्ली ना मुख्यमंत्री लोकोने लगता पड़तरना मुद्दा उठावे छे, हवे केजरीवाले वडाप्रधाने डिग्रीनो मुद्दो पण योग्य रीते उठाव्यो हतो। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे, चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। उद्धव ठाकरे समूहना नेता प्रियंका चतुर्वेदीए जणाव्यु कि वडाप्रधान मोदी आटला वर्षोथी मन की बात करी रह्या छे, त्यारे विपक्षी इंडिया गठबंधन जन की बात करशे। भाजप वडाप्रधान पदना उम्मीदवार तरीके मात्र एक नाम रजू करी सके छे, ज्यारे विपक्षी इंडिया गठबंधन पासे अनेक प्रतिभाशाळी नेता छे। इंडिया गठबंधनना नेताओ पासे देश चलावानी लायकात छे। गठबंधननी बैठकमां 6 राज्योना मुख्यमंत्री हाजरी आपशे, आ साथे ज अनेक राजकीय पक्षोना वरिष्ठ नेताओ पण पोताना अभिप्राय बैठकमां रजू करशे। अमारी पासे नेतृत्वनी अछत नथी अने माटे दरेक पार्टीना व्यक्ति कही सके छे के तेमना पक्षना नेताने वडाप्रधान पद माटे उम्मीदवार जाहेर करवामां आवे।
सबके दिल में अपने अपने लीडर्स के लिए है। मुझसे कोई पूछेगा प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगी उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में तो, पर आप ये सोचिए एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम है, 6 मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। एनसीपी ना वड़ा शरद पवार अने महाराष्ट्र ना पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक पहला पत्रकार परिषद योजी हती। आ दरमियान उद्धव ठाकरे कहू कि भारत माता की रक्षा माटे एक साथे आव्या छे, भाजप साथे 100 साथे मड़ीने लड़ीशू। शिवसेना यूबीटी ना प्रमुख उद्धव ठाकरे कहू कि महिलाओं की सुरक्षा रोजे रोज थवी जोईए, आ दरोज थवी जोईए, आवे आवी सरकार राज्य अने केन्द्र मां नथी। जो भाजपना लोको महिलाओंनी पासे राखड़ी बांधवानुं काम करी रह्या छे तो सौथी पहला तेवोए मणिपुरनी बे बहेनो बिल्किस बानो अने कुस्ती संगठननो विरोध करी रहेली महिलाओंने राखड़ीओनी एटले के खिलाड़ीओनी पासे राखड़ी बंधावी जोईए। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं, और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ना नेता फारूक अब्दुल्लाए मुंबई पहुंचा हता। फारूक अब्दुल्लाए जणाव्यु कि लोकसभा नी चूंटणी मां जीत केवी रीते मेळवी शकाय ए विषय चर्चा करवामां आवशे। कन्वीनर नी जरूर छे के केम ए मुद्दे पण बैठक मां चर्चा करवामां आवशे। देशना बंधारण ने बचाववा माटे शुं करवुं जोईए ए विषय वातचीत करवामां आवशे। विपक्षी इंडिया गठबंधन नी बैठक मां हाजरी आपवा माटे अनेक राजकीय पक्षो साथे संकळायेला नेता मुंबई पहुंचा छे। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है, नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। जरूरत है कन्वीनर की नहीं है वो पता लगे, पहले हम लोग आए हैं आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे, ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है वो हमारा सामने है। लोकसभा की चूंटनी पहला तमाम पक्षों तैयारियों में लागी गया छे। इंडिया गठबंधन बाद एनडीए पर मुंबई में बैठक योजवानी तारीख निर्धारित करी छे। इंडिया गठबंधन 31 ऑगस्ट और 1 सितंबर मुंबई में बैठक योजशे, जारे एनडीए की उच्चस्तरीय बैठक पर 1 सितंबर ना रोज योजावानी छे। एनसीपी सांसद सुनील टटकरे कहू कि आ बैठक दरमियान गठबंधन ना तमाम पक्षों एक साथे आवशे जेनी राज्यों में सरकारों छे। जारे तेमने पूछवामां आव्यु कि इंडिया गठबंधन अने एनडीए नी बैठक नो समय समान केवी रीते, आ अंगे तेमने जणाव्यु कि राज्यना चोमासु सत्र पहला ज संकलन समिति द्वारा अमारी बैठक निर्धारित करवामां आवी हती। G20 समिट ने लईने दिल्ली में थोड़ा अठवाडियाथी जोरशोरथी तैयारी चाली हती, जेमां हवे भारतीय वायुसेनाए तेनी एर वॉर्निंग सिस्टम राफेल अने अन्य फाइटर जेट्स ने हाई एलर्ट पर मुक्या छे। आ साथे साथे नवी एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करी छे। उच्च स्तरीय बैठक माटे सुरक्षा आपवा माटे दिल्लीनी हवाई क्षेत्र ने संपूर्ण तैयार करी शकाय। संरक्षण सूत्रोए जणाव्यु हतु के एरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम देशना उत्तरीय भागों में कोईपण हिलचाल पर नजर राखवा माटे सतत आकाश में रहेशे। स्वदेशी सर्वेलांस प्लेन अने आंखो पण आ विस्तार में नियमित देखरेख करशे। G20 समिटनी बैठक में अमेरिका, साउदी अरेबिया, जापान, फ्रांस अने जर्मनी सहित अनेक देशों वड़ाओ तेमज केनेडा, ब्रिटन अने इटाली वड़ाप्रधानों पण हाजर रहेशे।
चालबाज पड़ोसी और चीने भारत अरुणाचल प्रदेश ने पोता विस्तार दर्शाला नक्शा विवाद यथावत है। तेवा मार ड्रेग ने अक्साए चीन में 11 अंडरग्राउंड बंकरो बनाव्या। आंतरराष्ट्रीय भूगुप्त निष्णातों सेटेलाइट एजेंसी मैक्सर द्वारा लेवामां सेटेलाइट की तस्वीरों ने जाहिर करी छे। तस्वीर साथेना अहेवाल में दावो करवामां आव्यो छे कि चीने पचावी पाड़ेला अक्साई चीन में अंडरग्राउंड बंकरो बनावाया छे, जेने कारणे भारत की मुश्किली वधी सके छे। लद्दाखना डेपसांग थी मात्र 60 किमी दूर अक्साई चीन में ड्रेगन पोताना जवानों अने युद्धना हथियारों माटे अंडरग्राउंड बंकरो बनावी रह्यो छे। एवा पण अहेवालो छे कि भारतीय सैन्य द्वारा हवाई हुमलाथी बचवा माटे चीन आ बंकरो बनावी रह्यो छे, एटले के चीन डरने कारणे हवे अंडरग्राउंड बंकरोनो आसरो लेवा लाग्यो छे। आ सेटेलाइट तस्वीरों पर संशोधन करनार निष्णात डेमियन साइमने मीडिया साथे बातचीत करता कह्युं हतुं कि भारतीय एरफोर्स की ताकत वधी छे, तेनी सामे पहुंची वळवा अने पोतानी स्थिति ने मजबूत करवा माटे भारतनी सरहद पासे चीन आ बांधकाम करी रह्युं छे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधीए फरी एकवार चीनने लईने केन्द्र सरकार पर निशान साध्यु छे। हालमां चीने जाहिर करेला नवा नक्शामां अक्साई चीन अने अरुणाचल प्रदेश ने तेमनो हिस्सो जणाववामां आव्यो छे। तेना पर निशान साधता राहुल गांधीए केन्द्र पर प्रहार कर्यो छे। राहुले कह्युं कि हुं लांबा समयथी आ मुद्दो उठावी रह्यो छुं। वडाप्रधाने चीनना मुद्दे देशने गैरमार्गे दोर्यो छे। चीने भारतनी जमीन छीनवी लीधी छे अने वडाप्रधाने आ विषय पर बोलवुं जोईए। वधुमां तेमणे कह्युं कि वडाप्रधान जे कहे छे कि लद्दाखमां एक इंच पण जमीन गई नथी ते झूठ छे। आखू लद्दाख जाणे छे कि चीने आपणी जमीन हड़प करी छे। नक्शानो मामलो गंभीर छे कारण के तेओए जमीन लीधी छे। वडाप्रधाने आ अंगे कंई कहेवुं जोईए। कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशीए जणाव्युं कि मने लागे छे कि राहुल गांधी आ वात समजी रह्या नथी। चीने नक्शामां जे दावो कर्यो छे तेने विदेश मंत्रालये फगावी दीधुं छे। आ साथे ज मंत्रीए कह्युं कि जो कोई जमीन पर चीने गैरकायदेसर रीते कब्जो कर्यो छे तो ए जवाहरलाल नेहरूना समयगाळा दरमियान थयो छे। कोंग्रेसना लोको इतिहास जाणता नथी। राहुल गांधी ने चीनना नक्शा पर विश्वास छे, परंतु देशना विदेश मंत्रालयना निवेदन पर भरोसो नथी। मंत्री दावो कर्यो छे कि गांधी परिवार ने चीन पर वधारे भरोसो छे। गांधी परिवार ने भारत सुप्रीम कोर्ट, चूंटणी पंच अने देशनी संस्थाओं में विश्वास नथी। आ तेमनी समस्या छे। मुझे लगता है राहुल गांधी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीन ने जो किया है, मैप जो जारी किया है, उसके खंडन ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने किया है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ एनक्रोच किया है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी। इनको इतिहास पता नहीं है तो इसलिए ऐसे बोलते ही रहते हैं। हाल समग्र देश में भाई बहन ना पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की उजवणी जोवा मळी। त्यारे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए दिल्ली खाते आवेला एक शाळा में रक्षाबंधन की उजवणी करी हती। जे नानी बाळाओए वडाप्रधान ने राखड़ी बांधी तेमनी लांबी आयु माटे प्रार्थना करी हती। कर्नाटकना मैसूरमां कोंग्रेसना नेता राहुल गांधीए गृहलक्ष्मी योजनानो शुभारंभ कराव्यो। कर्नाटक सरकार आ योजना हेठळ परिवारनी महिला वडाने दर महीने 2000 रूपियानी रोकड़ सहाय करशे। कोंग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेए उद्घाटन कार्यक्रममां मुख्य अतिथि तरीके हाजरी आपी हती। प्रदेशमां 10,400 स्थळो पर आ योजना एक साथे शुरू करवामां आवी हती। गृहलक्ष्मी योजना हेठळ 1,11,00,000 परिवारोनी महिला वडाओने 2,000 रूपिया ट्रांसफर करवामां आव्या। आवता वर्षे लाभार्थीओनी संख्या वधारीने 1.3 करोड़ करवानो लक्ष्यांक छे। कर्नाटकमां गरीबी रेखा हेठळ जीवती महिलाओ आ योजनानो लाभ लई सके छे। कार्यक्रम दरमियान पोताना संबंधोमां कोंग्रेस नेता राहुल गांधीए जणाव्युं हतुं कि अमे चूंटणी विधानसभानी चूंटणी पहेला 5 वचनो आप्या हता।
कांग्रेस अथवा तेना नेता कोई बात कहे छे तो तेने पूरी करे छे। आ अमारी अने कर्नाटक सरकार की गेरंटी छे। अमे प्रथम शक्ति योजना लागू करी जे हेठळ महिलाओं ने पण बस में मुसाफरी करवा माटे पैसा चूकवा पड़ता नथी। अन्नभाग्य अने गृहज्योति योजना शुरू करवामां आवी। पांच योजनाओं में युवा निधि सिवाय बाकी तमाम योजनाओं महिलाओं माटे शुरू करवामां आवी छे। जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए। कर्नाटकना मैसूरमां जाहिर संबोधन दरमियान कांग्रेसना नेता राहुल गांधी जणाव्युं के भारत जोड़ो यात्रा दरमियान हूँ हजारों महिलाओं ने मळ्यो। आ यात्रा दरमियान कर्नाटक में लगभग 400 किलोमीटर चाल्यो त्यारे मने खबर पड़ी के पेट्रोल डीजल अने गैसना वत्ता भावथी सौथी वधु असर महिलाओं पर पड़ी रही छे। तेमणे मने कह्युं के अमे चीज वस्तुओनी वत्ती किंमतो सहन करवा असमर्थ छीए। महिलाओं समाजमां एक मजबूत पायो छे। जेम झाड़ मूळ वगर टकी शके नहीं तेवी ज रीते कर्नाटक पण महिलाओं विना टकी शकतुं नथी। कर्नाटकनी सरकारे 12,000 अलग अलग स्थळो पर आ प्रोग्राम शुरू कर्यो छे। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाओं से मैं मिला। आपने कहा कि महंगाई की चोट आपको लग रही है। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೊರಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಏಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ಮೇಲ್ ಬರೆ ಹಾಕ್ದಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ। ಚಾಹೆ ವೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋ ಡೀಸೆಲ್ ಹೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋ ಅಂತ ಮೇ चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। हजारों महिलाओं ने मुझे कहा कि महंगाई को सह नहीं पा रही। कर्नाटकना मैसूरमां राज्य सरकारना कार्यक्रममां कांग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अने सांसद राहुल गांधीए हाजरी आपी हती। अहीं राहुल गांधीए केन्द्र पर सरकार पर निशान साध्यु हतुं जेमां कांग्रेस सांसद राहुल गांधीए कह्युं के देशमां आ एक फेशन बनी गई छे। केन्द्र सरकार अबजोपतिओ माटे काम करे छे। अमे मानीए छे के सरकारे गरीबो अने वंचितो माटे काम करवुं जोईए। राहुल गांधी मैसूरमां राज्य सरकारो पर आपेला वचनोनुं गणतरी करी रह्या हता जे तेमणे चूंटणी पहेला कर्या हता अने हवे पूरा थई रह्या छे। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है। दिल्ली एनोंदु सरकारद केंद्रदल्ली अदु कोट्याधिपतिगळिगे बंडवाळशाहिगळिगे केलस माडुत्ते। उनके दो तीन मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं दो तीन लोगों के लिए होता है। कर्नाटक में जो हमारे पांच स्कीम है वो सिर्फ स्कीम नहीं है, वो एक गवर्नेंस के मॉडल है। श्रावणी पूनमना दिवसे भारतना विविध शहरों में सुपर ब्लू मून जोवा मळ्यो हतो जेने खगोलशास्त्रीओ अभिभूत जोवा मळ्या हता। देशनी राजधानी दिल्ली बिहारना पटना उत्तर प्रदेश कोलकाता सहितना शहरों में सुपर मूननो अद्भुत नजारो जोवा मळ्यो अने आ मून आकर्षणनुं केन्द्र बन्यो हतो। तो आगरामां आवेला प्रेमना प्रतीक ताजमहल चंद्रना प्रकाशमां विशेष आकर्षणनुं केन्द्र बन्यो हतो। विदेशीओ ताजमहलनी सामे सुपर मूनना प्रकाशमां नितरता ताजमहल साथे सेल्फी लेता जोवा मळ्या हता।